नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज सिंह तिंदोरी। स्वागत है आपका बाबा मधमेश्वर की यात्रा डोली के साथ। गिरिया गांव में यात्रा की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद और जो धियाणियाँ और लोकल गांव वालों ने भगवान मधमेश्वर को अर्घ लगाया और उसके बाद आज मधमेश्वर मेले के लिए उबा की डोली उखी मठ के लिए रवाना हो चुकी है। और देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ उमड़ रखी है बाबा की डोली के साथ। और ये अंतिम दिन है आज यात्रा का और आज उखी मठ में जाके बाबा की मधमेश्वर की डोली वहीं पे विश्राम करेगी 6 महीने तक। और आज वहाँ पे लगने वाला है एक बहुत ही शानदार मेला। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए। और मिलते हैं साथियों। पंज और पाली गांव होते हुए बाबा मधमेश्वर की डोली आ पहुंची है उखी मठ में। और उखी मठ में यहां पे भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है बाबा के स्वागत के लिए। और यहां से थोड़ा नीचे में जाएगी बाबा की डोली और वहां पे आराम करेगी। थोड़ी देर जलपान की व्यवस्था की गई है उन नीचे में। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जनसैलाब आज यहाँ पे बाबा मधमेश्वर के स्वागत के लिए आया हुआ है। और केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी थे वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ में यहाँ पे आए हुए हैं श्री भीम शंकर लिंग जी महाराज, और वो भी अभी बाबा मधमेश्वर को एक दिव्य सोने का मुकुट चढ़ाएंगे और उसके बाद बाबा अपनी गद्य स्थल के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ जलपान की व्यवस्था की गई है और जलपान वगैरह करने के बाद फिर से यहाँ से डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थान के लिए उखी मठ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। तो आप आनंद लीजिए इन सुंदर से पलों का और बने रहिए वीडियो में। कहाँ से यात्रा करके आए? हम चारों धाम से आए। अच्छा, अभी कौन कौन सी डोली के साथ यात्रा की? अभी ऐसे ही यात्रा की, मंदिर मंदिर किसी डोली के साथ आए? डोली के साथ नहीं आए ना, मैं डोली के साथ। देखिए
देखिए साथियों, ये अंतिम पल बाबा मधमहेश्वर की डोली अपने गति स्थल पहुंचने वाली है और धीरे धीरे करके जो बाबा के द्विजय निशाने हैं वो आगे आगे चल रहे हैं और बाबा की डोली पीछे पीछे से सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए अपने अंतिम दर्शन दे रही है इस 2023 के। जैसे बाबा केदार की डोली कपाट क्लोज होने के बाद उठीपट में ऐसे ही भव्य दर्शन दिए थे और दिव्य दर्शन डोली ने दिए थे, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाबा मधमहेश्वर की ये दिव्य डोली अपने सभी भक्तों को अपने अंतिम दर्शन देती हुई और अंत में अपने गर्भगृह की ओर प्रस्थान कर रही है धीरे धीरे करके। और अब इसके बाद सीधे 6 महीने बाद बाबा की डोली यहाँ से बाहर आएगी, तो आप सभी लोग इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ और बाबा मधमहेश्वर की डोली यात्रा के साथ बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये यात्रा यहीं पे संपन्न होती है और इसके बाद फिर से अगले साल जब शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि पे सभी चारों धामों के कपाटों के बारे में और पंच केदारों के कपाटों के बारे में आप सभी को पता लग जाएगा। तो आप सभी को ये पूरी यात्रा कैसी लगी और ये पूरी जो मधमहेश्वर बाबा की डोली यात्रा की ये पूरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगले साल आप लोगों से अपेक्षा है कि अगले साल आप अधिक से अधिक बाबा मधमहेश्वर के धाम के दर्शन के लिए आएंगे। जैसे बाबा केदार के धाम के दर्शन अधिक से अधिक लोग करते हैं तो वैसे ही बाबा मधमहेश्वर के भी अधिक से अधिक लोग दर्शन करेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मिलता हूँ साथियों आपको अब आगे एक नई वीडियो में, और उस वीडियो में जो मधमहेश्वर मेला की कुछ झलकियां आप लोगों के सामने होंगी और आप उस वीडियो में भी आनंद लीजिए और यहाँ के कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों की झलकियां होंगी और कुछ अलग जो स्थानीय रीति रिवाज से यहाँ पे बाजार लगते हैं और उसकी भी बहुत सारी आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से और कुछ खेल कूद की कहानियाँ होंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक, तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा मधमहेश्वर, जय बाबा केदार, बाबा मधमहेश्वर, बाबा केदार, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।